हेलो गाइस वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई एम नेहा जुरेल इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल राइट नाउ एंड जॉइन दिस ब्यूटीफुल लवली यू फैमिली सो इन टूडेज़ अ वीडियो आई एम गोना शो यू व्हाट आई गॉट फ्रॉम मीशो मीशो से ना बहुत सारी चीज़ें मैं आजकल ख़रीद रही हूँ सो मैंने सोचा कि क्यों ना एक कुर्ती हॉल की जाए इसमें ना मैंने शॉर्ट टू लॉन्ग कुर्ती दोनों ही इंक्लूड की हैं अब रक्षाबंधन आ रहा है तो आप इनके बारे में सोच सकते हो इफ़ यू आर समवन हु इज़ नॉट इनटू दैट मच लाइक इंडियन वेयर बट रियली वो ना ट्राई दैम आउट तो ये पीसेज ना आप ट्राई कर सकते हो दे आर वेरी वेरी गुड एंड इतने भी ज़्यादा हैवी नहीं है सम आर इंडियन कुर्तीज सो आई एम रियली एक्साइटेड टू शो यू गाइज वड आई गॉड सो विदाआउट फॉर डू लच टाइम इन टू द वीडियो ओके सो सबसे पहले ना स्टार्ट करते हुए फर्स्ट कुर्ती से जो मैंने खरीदी है वहाँ से सो ब्यूटिफुल कलर जो इसका है ना वो बहुत ही ज़्यादा पेस्टल काइंड ऑफ ग्रीन है एंड दिस लुक्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल लाइक मैं इतना इंडियन वियर पहनती नहीं हूँ बट फिर भी मेरे को ना ये बहुत ज्यादा प्यारी लगी बहुत ज्यादा ना ईजी ब्रीजी काइंड ऑफ है और पहनना इसको बहुत ज्यादा आसान है इस वजह से सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स इट्स सो सो प्रेटी आई एम टेलिंग यू बहुत ही ज़्यादा प्यारी है ये मुझे नहीं पता इसका कलर आपको कैसा लग रहा है बट इट्स काइंड ऑफ पेस्टल ग्रीन कलर बहुत ऐसे चुभने वाला ग्रीन नहीं है सो इट्स वेरी वेरी गुड एंड ऑल ओवर यहाँ नेक के पास ना आपको यहाँ पे ये यह चिकन करी नहीं है मुझे लगा था ये चिकन करी काइंड ऑफ का, डिज़ाइन है बट ये मशीन से वो दो धागे से नहीं बनती वो वाली डिज़ाइन है बट इट्स नॉट चिकन करी बिल्कुल कंफ्यूज मत होना एंड ये जो कपड़ा है इसका जॉर्जेट का है आपको स्लीव्स पे भी इस इस तरीके की डिज़ाइन मिलती है एंड यहाँ पे भी यहाँ पर भी नेक के पास भी मतलब पीछे बैक पर आपको कुछ नहीं मिलता इस पूरा का पूरा प्लेन है बैक के पास तो बट यहाँ जो नीचे फ्रिल है ना ये नीचे फ्रिल में पूरा चारों तरफ है लाइक यू कैन सी चारों तरफ डिज़ाइन है और नीचे पूरे पे डिज़ाइन है सो इट्स काइंड ऑफ गुड वर्क बहुत ज़्यादा वर्क दिया गया है इट्स अ वेरी गुड थिंग कि इतने रेट में आपको इतना ज़्यादा वर्क मिल रहा है सो लेट मी जस्ट चेक कि इसका क्या प्राइस है सो आई गॉट दिस थ्री नाइन्टी सेवन का बिकॉज इट्स में ना सिक्सटी टू रुपीज़ का एडिशनल फीस है आई गेस इट्स काइंड ऑफ लाइक इसमें इन्होंने डिलीवरी चार्ज भी लगाया है सिक्सटी फाइव जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया तो मुझे ये पड़ा ना चार सौ के आस पास ना थ्री नाइन्टी सेवन मुझे टोटल पड़ा है इसका विच इज़ लाइक

लगता है कि अगर मेरी हाइट फाइव फोर है okay, इतना मतलब तो ये पूरा हिस्सा है, अपने नीज के ऊपर तक गैप होना चाहिए मेरी नीज से लेकर जो कुर्ती है ना वहां तक तो इतना तो गैप होना ही चाहिए मुझे लगता है, तब ही मेरे अच्छी लगती है रेदर देन गोइंग ऑन दिस काइंड ऑफ जो मेरे नीज तक आ रही है आई डोंट फील माई सेल्फ सो अगर आपकी हाइट अच्छी खासी है तो यू कैन डेफिनेट

आई रियली कि जो भी मैं जो भी सूट पहनू या जो भी अनारकली पहनू मुझे ना वो जो वेस्ट एरिया है वो हग कर ले मतलब जो कपड़ा है ना वो वे हग कर ले इट्स काइंड ऑफ दैट सो मेरी प्रेफरेंस बहुत क्लियर होती हूँ मैं अपने कपड़ों में कि मुझे किस तरह के कपड़े पहनने हैं सो आई गॉट दिस कुर्ती जो ऑल ओवर इसकी जो डिटेलिंग है ना मेरे को ये डिटेलिंग काफी ज्यादा पसंद है मुझे नहीं पता इट्स काइंड ऑफ वेरी वेरी इंडियन वाइब इस कपड़े को इस डिजाइन को देख के सकता है ना वाव यार इट्स अ प्रॉपर इंडियन रेड कलर मतलब अच्छा तो लगता ही है End of the day, it's not kind of that. ब्राइट राइट डल काइंड ऑफ रस्टी रोज कह सकते हैं आप इसको मेहंदी काइंड ऑफ फ्लावर्स बने हुए नो वट टू से पूरे ना इसमें पोमपम लगे हुए हैं पॉम्पम की ना जो क्वालिटी है नॉट वेरी गुड फ्रेंकली से नॉट वेरी गुड ये कभी भी निकल सकते हैं बट आप इनकी जगह ना अलग से पॉम्पम ला के भी लगा सकते हो इफ यू वॉन्ट की पॉम्प मुझे पॉम्पम काफी अच्छा लगता है अपनी ड्रेसेस के लाइक इंडियन वियर के चारों तरफ मेरे पास एक और कुर्ती है इसी के जैसी जिसके ऊपर ऑल ओवर पॉम्पम लगे है वो भी मेरी फेवरेट है वो भी मैंने मीशो से ली थी एंड इसका जो फ्रिल है ना नीचे का वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया मतलब पूरे पर पम्पम लगा है बट ये जो एरिया है नीचे का ही न सी ये जो नीचे का पूरा घेर उन्होंने दिया है ना वो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है पहनने के बाद बेल्ट इसके साथ आपको मिलती है तो आप तो एंड जो इसका फ्रिल है ना वो भी दिखता है सो so, जो पैटर्न वो बनाना चाहते थे और जिस तरीके का दिखाना चाहते थे ना वो बहुत ज्यादा अच्छा है मेरे को अच्छा लगा की उन्होंने नीचे जो फ्रिल टाइप दिए है ना जो कपड़ा दिया उसने बिल्कुल कंजूसी नहीं किया वो बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है सामने से तो इतना प्यारा लग रहा है आई कंट इवन टेल यू सो फ्रो माई दिस इज अ थम्स अप मतलब आंखें बंद करके ले लो एंड आई गॉट दिस थ्री ट्वेल्व का मुझे एक सप्लायर डिस्काउंट मिला था मतलब तो का अभी आपको मिल रहा है थ्री ट्वेंटी का सो मुझे, so, मुझे लगता है तो प्राइस रेंज पे इट इज अ गुड डील आंखें बंद करके ले सकते हो आई रियली लव दिस पीस मुझे काफी ज्यादा पसंद आया ओके सो मूविंग ऑन आर नेक्स्ट कुर्ती सो अब आ गए हम अपनी लॉन्ग कुर्ती की तरफ एंड दिस इज समथिंग जो मुझे पसंद तो आई थी ठीक है मुझे मतलब सामने से फुल देखने में पसंद आ रही थी मुझे कुछ-कुछ चीजें हैं जो उसमें नहीं पसंद आई थी वो मैं आपको बताती हूँ। मुझे ना ब्लैक कुर्ती चाहिए चाहिए एंड ऑफ द डे तो ये इस तरीके की दिखती है कुछ इसके नेक पर पूरी डिटेलिंग मिलती है तो ये जो डिटेलिंग आपको दिख रही है ना ये ना एक अलग से कपड़ा इन्होंने लगाया हुआ है ओके मुझे सबसे प्यारी इसकी जो लगी वो है ये स्लीव्स आई रियली लव्ड कि उन्होंने स्लीव पे कुछ इस तरीके का कपड़ा लगाया है मतलब तो जो उन्होंने नेक पे यूज किया इसकी वजह से ना ये पूरा सूट निखर के आ रहा है मैंने जब ये पहना था ना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो लगी थी वो थी इसकी स्लीव्स आई एम इन लव विद द स्लीव्स मैंने अब सोच लिया मैं जो भी कुर्ती अगर एंड ऑफ द डे अगर मैं सिलवाने गई या टेलर के पास गया बुटीक पे गई तो मुझे पता है कि मुझे किस तरीके की स्लीव्स अच्छी लगेंगी और मेरे पे क्या अच्छा लगेगा दिस इज हाउ यू फिगर आउट योर थिंग्स तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी दैट स्लीव्स आर थोड़ी बैलूनी टाइप्स ऑफ स्लीव्स है इसकी और यहाँ पे ना आपको कट दिया हुआ है स्लीव्स के पास में तो एस कैन सी यहाँ पे कट है आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा दो कट दिए गए हैं बीच में थोड़ी सी सिलाई दी गई है और फिर यहाँ पे वो कपड़ा लगाया हुआ है और ये फुल स्लीव्स है सो so बहुत ज्यादा प्यार लगता है दिस इज इन द साइज स्मॉल मेरे जितने भी सूट है ना सारे स्मॉल साइज में है कोई भी एक्स्ट्रा स्मॉल में नहीं है इसमें सब स्मॉल में ही है कोई भी मीडियम में नहीं है डोंट वरी सबका साइज एक ही है एंड इसकी जो तो लेंथ है ना दैट्स अ वेरी प्रिटी गुड मतलब मेरे साथ ऐसा होता है या तो नीह से ऊपर हो या फिर नी से एकदम नीचे हो एकदम नीचे ही है मेरी नी से मतलब इतना और हाफ इसका इतना नीचे है मेरी नीज से बट मुझे ना इसका जो नीचे का डिज़ाइन है वो ज्यादा पसंद नहीं आया मतलब आपको ना नीचे तो इसके टेसल्स मिलते हैं कुछ इस तरीके के विच इज़ नॉट वेरी गुड क्वालिटी ऑब्वियसली बात है इतने प्राइस में कितना ही होगा तो इट्स काइंड ऑफ ऐसे वाला शेप है वैसे मुझे पता था फोटो में ऐसे ही आएगा बट मुझे ये नहीं पता था कि मुझ पे कैसा लगेगा सो इट वॉज नॉट लुकिंग गुड नीचे से मुझे सिर्फ इसकी स्लीव्स बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी बट जब मैं फोटो क्लिक कर रही थी ना तो मैं स्लीव्स तो अपनी ला नहीं सकती थी फोटो में बिकॉज आई वॉज टेकिंग माई सेल्फी तो सेल्फ़ी में क्या होता है ना आपका ये पोर्शन बहुत ज़्यादा दिखता है एंड आई एम अ पर्सन हु लव टेकिंग पिक्चर्स तो मुझे वो देख के ऐसा लगा कि ये जो हिस्सा है ना इसका उसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा ही यू नो काम टाइम सो आई डिडेंट फाइंड दैट मच लाइक फोटोजेनिक काइंड ऑफ सूट सो इफ यू आर समन इज लुकिंग फॉर डेली वियर यू कैन डेफिनेटली डेफिनेटली आप इसे चेकआउट कर सकते हो एज आई डोंट वियर सूट ऑन डेली बेसिस सो दिस इज नॉट फॉर मी मैं सूट वही देख के लेती हूँ जो मुझे कहीं जाना है या पूजा वूजा में जाना है या कहीं बैठना है उस टाइम के लिए मैं ट्रेडिशनल वियर लेती हूँ वरना उसके अलावा मेरा कोई और पॉइंट नहीं होता ट्रेडिशनल वियर लेने का सो दिस इज द साइज़ स्मॉल एंड आई गॉट दिस ओनली फॉर टू नाइन रुपीज थ्री हंड्रेड के अंडर ही बढ़ गया है आपको ये चीज लेनी है क्योंकि मीशो पे ना अप एंड डाउन होते रहते हैं आप वेस्टलेस में डाल दो उसके बाद थोड़े टाइम बाद लो पंद्रह या दस रुपए का ये अंतर आता है इनमें और कुछ ज्यादा डिस्काउंट होता भी नहीं है कभी भी मैंने देखा है सो मूविंग ऑन आर लास्ट कुर्ती दिस इज वेस्टर्न काइंड ऑफ कुर्ती मतलब इफ यू आर हु लव वेस्टर्न एंड आप ना वेस्टर्न पहनना चाहते हो बट इंडियन भी हो लाइक इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ ड्रेस और सूट आई डोंट नो वट टू से अबाउट दिस सो इट्स कॉल्ड टील जॉर्जेट में लिखा है शॉर्ट कुर्ती बट इट इज नॉट इट्स अ वेरी लॉन्ग कुर्ती एक्चुअली मेरी बिल्कुल मेरे पैरों तक है एंड इसका जो कपड़ा है एज अ यू जॉर्जेट है एंड दिस इज ऑल्सो इन दिस इन द साइज स्मॉल मतलब मुझे अच्छा लग रहा था कि हाँ एक इस तरह की ना मेरे पास कुछ भी नहीं So this is my first buy. कुछ इस टाइप के डिजाइन में बट मुझे ना इसका फिटिंग ज्यादा पसंद नहीं आया मैंने सब में कुछ कुछ कमियां निकाली है बट उन सबके बाद में एस आई यू एज आई टू समथिंग एज पर टू माई बॉडी टाइप तो इफ यू आर हु विल लुक गुड इन दिस काइंड ऑफ ड्रेस गो फॉर इट सो दिस इज लाइक टील ग्रीन काइंड ऑफ कपड़ा है सकते हैं लाइक क्रॉप टॉप जितना आपको वहां पे कपड़ा लगाया हुआ है और ये पूरा का पूरा जॉर्जेट का है सी थ्रू है एकदम यहां तक बट यहाँ जो अपर एरिया है ना वहाँ पे आपको कपड़ा मिलता है एज यू गाइस कैन सी यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा इसकी स्लीव जो है यहाँ तक तो आई जाएंगी सामने आपको पोर्शन पे एक इस तरीके का बटन डिजाइन मिलता है जिससे आपको पहनने और उतारने में आसानी हो आप इसे खोल भी सकते हो मुझे ना ये बिल्कुल पसंद है अगर मैं शायद से इसको ना अपने कमर से थोड़ा सा ऐसा आई लव दो क्लोज जो मेरे को कमर से ऐसे हग कर ले मेरी बॉडी को सो मैं शायद थोड़ा सा उसको स्टिच करा लूँगी अकॉर्डिंग टू माई बॉडी एंड अदर देन दैट आई रियली लव दिस इट्स काइंड ऑफ आप हील्स पहन लो व्हाइट कलर की या गोल्डन कलर्स एज आई इसमें ना गोल्डन कलर का थोड़ा सा एक बटन दिया गया है यहाँ पे तो आप इसके साथ ना गोल्डन झुमका और हील्स पहन सकते हो ब्लैक कलर की गोल्डन ज्वेलरी के साथ भी कर सकते हो इट्स ऑल अप टू यू हाउ यून क्रिएट एन आउटफिट विद दिस बट आई लव वन कुर्ती जो मैंने आपको दिखाई थी रेड वाली वो तो मतलब मेरे दिल में छा गई है वो तो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है सो दैट सेट सो ये थी मेरी कुछ कुर्तियाँ एंड आई रियली होप कि आपको ये रिव्यू भी पसंद आया हो जो मैंने साथ के साथ दिया है बिकॉज आई वोट द एंड मुझे ऐसा लगा कि मुझे सच में मतलब सच्ची बातें आपको बतानी चाहिए कि क्या क्या सीन है इनके साथ में इन आई रियली होप दैट यू लाइक इट अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे मेरे चैनल राइट नाउ वो रेड कलर का जो बटन है उसे दबा दो एंड गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स That means to me a lot. Thank you so much for watching. See you in my next video. Bye.